हे गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। गाइज, आज के इस वीडियो में हम स्टाइल करने वाले हैं कुछ आउटफिट्स जो कि वैलेंटाइन डे से इंस्पायर्ड होंगे। लाइक वैलेंटाइन डे नहीं कहना चाहिए मुझे, बिकॉज ये जो आउटफिट्स हैं गाइज, ये सारे के सारे वो आउटफिट्स उन लाइक क्या बोल रही हूँ यार। सो गाइज, ये जो आउटफिट्स हैं ना, ये जो वैलेंटाइन डे आने से पहले जो 7 डेज होते हैं उन सबसे इंस्पायर्ड हैं। सो ये एक इंस्पायर्ड वीडियो है, इंस्पायर्ड स्टाइलिंग वीडियो है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, फटाफट से स्टार्ट करेंगे। एंड मेरे पीछे जितने भी ये आउटफिट्स हैं, ये वही आउटफिट्स हैं जिनको आज हम स्टाइल करने वाले हैं। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो डेज आता है गाइज, वो आता है रोज़ डे। और यहाँ पर रोज़ डे के लिए गाइज मेरे पास बहुत ही ब्यूटीफुल सा, सॉरी गाइज, जो यहाँ पर, सो गाइज सबसे पहले जो आता, बहुत शोर आ रहा है यार, खैर इग्नोर करते हैं शोर को, बिकॉज ये आता रहेगा। सो गाइज सबसे पहले जो आता है वो आता है रोज़ डे, और रोज़ डे से इंस्पायर्ड आउटफिट मेरे पास यहाँ पर ये हैं। मैंने रोज़ डे के लिए चूज़ किया है एक ब्लैक कलर की शॉर्ट, और उसके साथ मैंने चूज़ की है एक रिब्ड मटेरियल वाली एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी टॉप जो कि पिंक कलर में है। मुझे लगा कि रोज़ेस जो होते हैं वो पिंक कलर में होते हैं, तो क्यों ना एक पिंक कलर का आउटफिट चूज़ किया जाए। और मुझे इससे ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन और कुछ लगा नहीं। सो यहाँ पर मैंने पिंक कलर का आउटफिट चूज़ किया है, और साथ ही ब्लैक भी, बिकॉज ब्लैक मेरा बहुत फेवरेट है। और मैं कुछ इस तरह का आउटफिट ज़रूर वेयर करना चाहूँगी रोज़ डे वाले दिन। और साथ में मैंने पिंक कलर की हील्स भी वेयर की हैं। ये बहुत ही ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन है एंड बहुत ही ब्यूटीफुल आउटफिट है। तो आप इस तरीके से स्टाइल करके पहन सकते हैं रोज़ डे के लिए। और साथ ही अगर हम ज्वेलरी की बात करें, तो यहाँ पर गाइज मैंने बहुत ही ब्यूटीफुल सी बटरफ्लाई वाली जो है गले में नेक पीस पहना है, एंड बहुत ही ब्यूटीफुल से इयररिंग्स पहने हैं गोल्डन कलर के। तो आप इस तरह का फुल लुक क्रिएट कर सकते हैं, काफ़ी प्यारा लुक है। आई होप आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा। तो आप इस तरह से जो है अपना आउटफिट चूज़ कर सकते हैं रोज़ डे के लिए। सो गाइज, अब नेक्स्ट आउटफिट की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर जो नेक्स्ट आउटफिट मैंने चूज़ किया है वो मैंने प्रपोज डे के लिए चूज़ किया है। ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा गाउन जो कि वेलवेट का है एंड बहुत बहुत ब्यूटीफुल है। सबसे पहले तो ये मेरी लाइक बॉडी हगिंग टाइप का फुल ड्रेस है, मैक्सी ड्रेस है वेलवेट का, एंड ये इतना इतना ब्यूटीफुल लग रहा था। एक तो सिंपल है और बहुत ही ब्यूटीफुल है। मुझे लगता है कि सिंपल चीज़ें बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है हमारी बॉडी के ऊपर। और इसके साथ मैंने बहुत ही सिंपल से हुप्स पहने हैं, लाइक बहुत ही बोल्ड वाले हुप्स पहने हैं, एंड गले में मैंने चेन वाला एक नेकलेस वेयर किया है जो कि काफ़ी ज़्यादा बोल्ड है। तो आप इस तरह का जो है इस तरीके से स्टाइल करके पहन सकते हैं। एंड साथ ही हील्स की बात करूँ, तो मैंने हील्स के लिए यहाँ पर गोल्डन कलर की सिंपल सी ट्रांसपेरेंट वाली हील्स ली हैं। और ये हील्स जो है गाइज मैंने मीशो से परचेज़ की थी, इससे पहले वाली हील्स भी मैंने मीशो से परचेज़ की थी। तो जो भी आउटफिट्स मैं यहाँ पर वेयर कर रही हूँ उन सबकी डिटेल्स मैं आपको जो है साथ साथ दे दूंगी, जो भी वीडियो आएगी स्क्रीन पर आ जाएगी सारी की सारी डिटेल्स। एंड जिसका लिंक मेरे पास होगा अवेलेबल, तो उन प्रोडक्ट्स का जो है मैं आपको लिंक वगैरह भी प्रोवाइड कर दूंगी। सो ये ड्रेस भी गाइस बहुत बहुत ब्यूटीफुल है, और मुझे लगता है कि ये प्रपोज डे के लिए काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट है। बिकॉज अगर मुझे पता चले कि कोई मुझे प्रपोज करने वाला है, तो मुझे लगता है कि मैं कुछ इसी तरह का आउटफिट पहनूंगी, लाइक कुछ गाउन टाइप का, कुछ फुल मैक्सी ड्रेस टाइप का। तो मुझे इस तरह का आउटफिट पहनना ज़्यादा अच्छा लगेगा फॉर प्रपोज डे के लिए। और आप किस तरह का आउटफिट पहनना चाहोगे इन 7 डेज के लिए, आप अपनी चॉइस भी मुझे जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। आप भी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि आप कौन से डे के लिए कौन सा आउटफिट जो है चूज़ करना चाहोगे। और अगर आपके कुछ भी क्वेश्चंस हैं, तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो गाइज अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट डे आता है गाइज, वो आता है चॉकलेट डे। एंड चॉकलेट डे के लिए कि मुझे लगा था कि कुछ चॉकलेटी तो होना ही चाहिए। यहाँ पर मैंने चॉकलेट कलर का ही लाइक ब्राउन कलर का ही ड्रेस चूज़ किया है। यहाँ पर मैंने बहुत ही ब्यूटीफुल सा स्कर्ट वियर किया है सैटिन का, जो कि मैंने अर्बेनिक से परचेज़ किया था। और इसके साथ मैंने वियर की है एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा टॉप जो कि बहुत ही
प्यारा सा कलर है इसका और बिल्कुल मैच हो रहा है मेरे इस स्कर्ट के साथ में। तो आप इस तरह का कॉम्बिनेशन बना करके पहन सकते हैं चॉकलेट डे पर, लाइक लाइट ब्राउन प्लस डार्क ब्राउन, तो इस तरह का कॉम्बिनेशन भी काफ़ी अच्छा लगता है। जिसके साथ भी मैंने गाइस गोल्डन कलर के हील्स वेयर किए हैं, आप चाहें तो वैसे ब्राउन हील्स भी ट्राई कर सकते हैं। एंड सेम नेकलेस पीस मैंने यहाँ पर वेयर किया है, बस कानों में मैंने थोड़े से अलग टाइप के डिफरेंट टाइप के हुप्स पहने हैं, बाकी सब कुछ सेम ही रखा है। एंड ये आउटफिट भी गाइज मुझे बहुत बहुत ज़्यादा पसंद आया था एंड चॉकलेट डे के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। सो गाइज इसके बाद नेक्स्ट आउटफिट की बात करूँ तो यहाँ पर मैंने वियर की है बहुत ही ब्यूटीफुल सी पिंक कलर की टी शर्ट एंड जीन्स, डेनिम जीन्स, बिकॉज टेडी डे है एंड टेडी डे पर मुझे लगता है कि बहुत ही क्यूट लगना चाहिए और टेडी बिकॉज बहुत क्यूट होते हैं और टेडी डे पर गर्ल्स को क्यूट दिखना तो चाहिए ही। सो मुझे लग रहा था कि ये जो आउटफिट है ये बहुत ज़्यादा क्यूट आउटफिट है बिकॉज मुझे बहुत अच्छा लगता है और ये आउटफिट ना मैं बहुत बहुत बार स्टाइल कर चुकी हूँ। जब भी मुझे लगता है कि मैं बहुत ही क्यूट सा आउटफिट कुछ स्टाइल करूँ और बहुत ही सिंपल एंड बेसिक भी हो साथ में और जल्दी जल्दी फटाफट से स्टाइल कर लूँ, तो मैं कुछ इसी तरह का आउटफिट पहनती हूँ, सेम कलर की टी शर्ट एंड साथ ही ब्लू कलर की डेनिम। सॉरी। सो गाइज ये एकदम परफेक्ट आउटफिट है फॉर टेडी डे के लिए, तो आप इस तरह का आउटफिट स्टाइल कर सकते हैं। और इसके बाद जो नेक्स्ट आउटफिट गाइज मैंने स्टाइल किया है वो मैंने स्टाइल किया है यहाँ पर बहुत ही ब्यूटीफुल सा ड्रेस ब्लैक कलर का एंड ये ड्रेस है प्रॉमिस डे के लिए। सो गाइज मैंने ये ड्रेस चूज किया एंड ये जो ड्रेस है गाइज ये बहुत बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, इसका बैक सबसे ज़्यादा प्यारा है, बहुत प्यारा बैक है, बहुत ही अच्छी ड्रेस है, स्ट्रेचेबल है, बहुत कंफर्टेबल है एंड प्रॉमिस डे के लिए काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट है। अगर आप जा रहे हो अपने पार्टनर के साथ डिनर पर या फिर लंच पर, किसी भी अपने पार्टनर के साथ आप डेट पर जा रहे हो, तो मुझे लगता है कि ये एकदम परफेक्ट ड्रेस है फॉर प्रॉमिस डे के लिए। और अगर आप मुझसे पूछोगे तो डेफिनेटली मैं कुछ इसी तरह का स्टाइल करना चाहूँगी प्रॉमिस डे के लिए और काफ़ी अच्छी ड्रेस है। सो गाइस अब बात करते हैं हग डे के बारे में। इसके बाद आता है हग डे और हग डे वाले दिन हम अपने पार्टनर को गले लगाते हैं, तो यहाँ पर मैंने इसके लिए जो ड्रेस चूज़ किया है वो मैंने डेनिम का स्कर्ट चूज़ किया है प्लस एक लाइनिंग वाला टॉप चूज़ किया है बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा आउटफिट है एंड बहुत ही क्यूट टाइप का आउटफिट है। एंड इसके साथ मैंने वाइट कलर के शूज़ भी वेयर किए हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं एंड बहुत ही गर्लिश लुक दे रहा है ये वाला जो लुक है गाइस, बहुत ही ज़्यादा गर्लिश है, टीनेजर टाइप का लुक है। सो इसको आप स्पेशली गर्ल्स काफ़ी अच्छा लुक है, तो आप इस तरह का लुक क्रिएट कर सकते हैं फॉर हग डे के लिए। और यहाँ पर ज्वेलरी की बात, सो गाइस यहाँ पर ज्वेलरी की बात करूँ तो यहाँ पर मैंने बहुत ही बड़े बड़े से हुप्स वेयर किए हैं जो कि टीनेजर्स के लिए एकदम परफेक्ट लुक है एंड टीनेजर्स डेफिनेटली इस तरह के लुक को क्रिएट कर सकते हैं बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लुक है एंड बहुत ही ईजी पीजी लुक है। इसको 2 मिनट लगेगा, आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, फटाफट से अपनी डेनिम पहनो एंड कुछ इस तरह की लाइनिंग वाली अपना टॉप वेयर करो या टी शर्ट वेयर करो एंड शूज़ वेयर करो एंड हुप्स पहनो बड़े बड़े एंड हो गया, दैट्स इट। ये टीनेजर्स के लिए एकदम परफेक्ट आउटफिट है। नेक्स्ट बात करेंगे गाइज हम किस डे के बारे में। सो किस डे के लिए गाइज मैंने चूज किया है ये बहुत ही ब्यूटीफुल सी सैटिन की ड्रेस एंड ये ऑफ शोल्डर ड्रेस है एंड इसके साथ मैंने लेयरिंग वाला नेकलेस वेयर किया है एंड कानों में मैंने बहुत ही ब्यूटीफुल से इयररिंग्स पहने हैं जो कि जिसमें लाइक सिल्वर कलर के स्टोन्स लगे हुए हैं एंड ये जो इयररिंग्स है गाइज मेरे बहुत 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 पुराने इयररिंग्स हैं और काफ़ी ब्यूटीफुल आउटफिट है, तो आप इस तरह का आउटफिट चूज़ कर सकते हैं जो कि सैटिन का हो बिकॉज ये बहुत ही कम्फर्टेबल है, बहुत ही सॉफ्ट मटेरियल है इसका। सो मुझे लगता है कि डेट वगैरह के लिए भी काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट है एंड किस डे के लिए एकदम परफेक्ट आउटफिट है, तो आप इस तरह का आउटफिट डेफिनेटली वेयर कर सकते हैं फॉर वैलेंटाइन डे, फॉर किस डे। सो गाइज अब बात करते हैं नेक्स्ट आउटफिट के बारे में। नेक्स्ट आउटफिट जो है गाइज वो है वैलेंटाइन डे आउटफिट और जो कि मैंने अभी इस टाइम वेयर किया हुआ है। ये आउटफिट बहुत बहुत ब्यूटीफुल है एंड ये जो आउटफिट है गाइज ये मैंने लिया था सिंगापुर से
और मैंने 4 साल पहले लिया था, तो इसका तो मैं आपको कोई भी लिंक वगैरह कुछ भी प्रोवाइड नहीं कर पाऊँगी। और ये बहुत बहुत ब्यूटीफुल ड्रेस है, मुझे बहुत प्यारा लगता है, एंड मुझे लगता है कि मैंने लास्ट वैलेंटाइन डे पर भी इसको ही वियर किया था, और अभी इस बार वैलेंटाइन डे पर इसको स्टाइल करने का कोई इरादा नहीं है मेरा, मैंने कुछ और सोचा हुआ है। बट हाँ, ये वैलेंटाइन डे के लिए एकदम परफेक्ट आउटफिट है, और इसको मैं बहुत बार वियर कर चुकी हूँ, लाइक अपने बर्थडे के लिए, डिनर के लिए, डिनर डेट के लिए मैं बहुत बार वियर कर चुकी हूँ। बहुत ही ब्यूटीफुल आउटफिट है। सो गाइज, आई होप आपको ये सारे के सारे आउटफिट पसंद आए होंगे। मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि आपको कौन सा आउटफिट सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। सो गाइज, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय गाइज़।